भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बदल गई है। 2014 से लेकर के अब तक भारतीय जनता पार्टी में कई परिवर्तन हुए हैं। सत्ता के लिए हर समझौता और हर हथकंडा अपनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हिंदुत्व के एजेंडे पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब अपना रुख चेंज कर रही है। बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी कितना पॉजिटिव है, इस बात को आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केंद्र से शाहनवाज हुसैन को भेज करके, जो कि सॉफ्ट स्पोकन पार्टी के प्रवक्ता और केंद्र में मंत्री रहे हैं, उन्हें बिहार में भेजती है और उनको प्रोजेक्ट करती है। शाहनवाज हुसैन पूरी तरह से नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में खड़े हैं। लगातार उनके काम की प्रशंसा जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं धीरे धीरे बिहार की जनता भी उनसे कनेक्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार ने कुछ ही दिन पहले अपने एक बयान में, एक उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान, शाहनवाज हुसैन की जमकर तारीफ की थी। उसके बाद से तो शाहनवाज हुसैन और ज़्यादा एग्रेसिव और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर पूरी तरह से काम करना शुरू कर चुके हैं। ऐसा बाउंसर मारा है जिसने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को क्लीन बोल्ड कर दिया है। आपको बता दें कि मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश वह हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं है, ये कह करके कहीं ना कहीं शाहनवाज हुसैन ने भारतीय जनता पार्टी के बदले हुए स्वरूप और बदले हुए एजेंडे का कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है। प्रदेश में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत से अच्छा देश वह हिंदू से अच्छा दोस्त नहीं हो सकता। तमाम मुस्लिम मुल्कों में हिंसा होती है लेकिन भारत में शांति है। पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल में पूरा जो बिहार है और पूरा देश है वो शांति के दौर से गुजर रहा है। बुधवार के दिन, कल ही, उन्होंने शहर के गांधी मैदान में आयोजित गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित किया और उसमें उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसको लेकर के दोनों ही खेमे में, चाहे वो नीतीश कुमार खेमा हो या फिर तेजस्वी यादव का खेमा हो, दोनों खेमे में हलचल शुरू हो गई है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों ने दूरी बना करके रखी है लेकिन उन्हें नज़दीक लाने का सबसे बड़ा हथकंडा शाहनवाज हुसैन हो सकते हैं। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में भी इस बार किसी मुस्लिम कैंडिडेट को प्रमोट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, जिसमें नकवी का नाम सामने आ रहा था। अब आगे क्या होगा ये अलग बात है, लेकिन शाहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पर जो नीतीश कुमार की सरकार चल रही है उसमें मंत्री रहते हुए अच्छे काम करके और लोगों से लगातार संपर्क करके बहुत सारी बातों को आगे किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में वो कहते हैं कि भारत के हर धर्म के लोगों के दिलों में बास करते हैं नरेंद्र मोदी। चाहे कोरोना का टीका हो, अनाज हो अथवा आयुष्मान भारत की योजना हो, सबको फ़ायदा मिला है। इसमें किसी का कोई भेदभाव नहीं हुआ है। हमारी योजनाओं का लाभ तो सभी ले रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो हमारी पार्टी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये बातें हमने शुरू में आपको बता दी। अब आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किधर जा रही है। उन्होंने यूक्रेन संकट के समय बिना जाति धर्म देखे भारतीयों को रेस्क्यू किया गया, ये भी बातें कही, जिसमें बिहार के काफ़ी लोग हैं, इस बात का भी उन्होंने हवाला दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर फैसला आया कोर्ट का, उसके बाद से ही सब कुछ ठीक कर दिया गया, उसके बनने की शुरुआत हो गई, दंगा फसाद बिल्कुल नहीं हुआ। दुबई, कतर समेत अन्य देशों के लोग जो बयानबाजी कर रहे हैं उन्हें समझना होगा कि भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वाली पार्टी है। इस मुल्क में गांधी आए तो सत्याग्रह हुआ, राहुल गांधी आए तो भ्रष्टाचार बढ़ा। भाजपा किसी को फंसाती नहीं है और न किसी को बचाती है। सीधे तौर पे उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर के और एक अपनी युवा टीम, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर के अन्य जीवेश मिश्रा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों को लेकर के एक नए धारा की राजनीतिक शुरुआत कर रही है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगे लेकर के जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की जो तैयारी चल रही है उसके पहले उन्होंने एक और घोषणा किया है, जो कि केंद्र सरकार की योजना है कि 2024 चुनाव के पहले सबको पक्का मकान उपलब्ध होगा। 21 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्रतिमा को भी भव्य मंदिर के भवन में प्रतिष्ठापित किया जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से 2024 की तैयारी में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रचारक के रूप में कहीं ना कहीं
बेहतर काम करना शुरू कर चुके हैं शाहनवाज हुसैन। नितिन नवीन से लेकर के जितने भी युवा नेता हैं उन सारे लोगों को अपने साथ जोड़ करके और एक नई धारा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के मंसूबों पर पानी फेर सकते हैं शाहनवाज हुसैन। क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना मान के चलिए कि बिहार में अब एक नए धारा की राजनीति शुरू हो चुकी है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को किनारा करके खुद मुख्य लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव से लड़ना चाहती है और जीत करके अपनी सत्ता बनाना चाहती है। क्या होगा ये भी आप अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तैयारियां बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है और ऐसी स्थिति में दोनों ही खेमे को मुश्किल ज़रूर होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे को घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।